गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एंजाइम्स। आज का जो लेक्चर होगा एंजाइम पढ़ेंगे हम लोग, एंजाइम क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार के एंजाइम है और ये कौन सा केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हम कि एंजाइम बोलते किसको है। तो एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन्स है जो कि कहाँ से ऑब्टेंड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होता है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, मतलब कि कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी हमारे बॉडी में हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, उसको हम लोग बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंस में ही ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है। आइदर वो बायोकेमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक हो, एनाबॉलिक हो, या फिर कैटाबॉलिक हो, या फिर डिस्ट्रक्टिव मैनर में हो, या फिर कंस्ट्रक्टिव मैनर में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लिविंग सिस्टम में होता है, लिविंग बॉडी में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और हर एक एंजाइम जो होते हैं, हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम की जरूरत होती है, मतलब कह सकते हैं कि जो एंजाइम है स्पेसिफिक रिएक्शन को टारगेट करता है, ठीक है, पार्टिकुलर रिएक्शंस में ये भाग लेते हैं। एंजाइम के बिना लिविंग सिस्टम या लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। एंजाइम है तब वो क्या करता है, रिएक्शंस करवा पाता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, और उसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म हो पाता है। अब बोलिए एंजाइम नहीं रहेगा तो कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी में जो चल रहा है आइदर कंस्ट्रक्टिव मैनर या फिर डिस्ट्रक्टिव मैनर में चल रहा है, कैटाबॉलिक में या फिर एनाबॉलिक में। तो ये जब नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगा, तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए एंजाइम का होना बहुत जरूरी है। तो एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट। क्या, किसको बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट। इसलिए कि बायोकैटलिस्ट इसलिए है कि ये आपका बायोकेमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करता है लिविंग सिस्टम में। और इसको हम लोग क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर। अगर हम बात करें बायोकैटलिस्ट बोलेंगे या फिर मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी इसको बुला सकते हैं। हमारी बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है, आप कह सकते हैं अगर फूड का डाइजेशन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा, ठीक है। उससे ये सब होने से क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है। तो ये सब करवाने के लिए, जैसे डाइजेशन करवाने के लिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कराने के लिए बॉडी में, कोई चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में, एक पार्टिकुलर सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स बोलते हैं। और बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन आपस में जब कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाके हमारा लाइफ प्रोसेस चलता है। मतलब कह सकते हैं कि हमारे जो लाइफ प्रोसेस चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ की या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। और हर एक केमिकल रिएक्शंस के लिए, हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होता है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन को टारगेट करता है, तब जाके बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म होता है, तब लिविंग सिस्टम का एग्जिस्टेंस होता है, तब रहता है। तो ये चीज़ है एंजाइम। एंजाइम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे उसका नाम है बूचनर। इनको डिस्कवर कौन किए थे, बूचनर ने डिस्कवर किया था। और ये एंजाइम जो टर्म दिए थे, क्वाइंड टर्म, उसको बोलते हैं कुहने। ये क्या किए थे, कुहने आपका टर्म क्वाइन किए थे, एंजाइम टर्म को, एंजाइम का टर्म क्वाइन किए थे ये कुहने। और बूचनर क्या था कि एंजाइम को डिस्कवर किए थे, एंजाइम। तो कुछ ऐसे एंजाइम देखिए आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिए हैं,
कि जो कि पार्टिकुलर रिएक्शंस को, पार्टिकुलर चीज को कन्वर्ट क्या चीज में कर सकता है। जैसे मान ले बहुत सारे 11 एंजाइम यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यूरिएज है। तो यूरिएज का काम क्या होता है, यूरिया को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया का कन्वर्जन किसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया। ये काम क्या है, ये रिएक्शंस, ये अगर पार्टिकुलर रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसका नाम क्या है, यूरिएज। जनरली क्या होता है, जब हम एंजाइम के लास्ट में क्या किया जाता है, जिस कंपाउंड को मान लो जिस मॉलिक्यूल्स का, मान लें कि सपोज यूरिया का कन्वर्जन हो रहा है CO2 में और NH3 में, तो उस कंपाउंड के आगे हम क्या जोड़ देते हैं, ASE। जनरली क्या करते हैं, ऐसा ASE लास्ट में जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं ASE, फॉर स्टैंड फॉर एंजाइम ASE। इनवर्टेज ASE, देखिए इनवर्टेज, इनवर्टेज क्या का काम क्या करना करता है, सुक्रोज को जो केन सुगर है C12H22O11 को, ये किसमें तोड़ देता है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में। इसको क्या करता है, अगर इसको तोड़ना होगा, सुक्रोज को हमको ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में तोड़ना होगा, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट होगा, इन्वर्टेज का काम होगा, समझ रहे हैं। जैसे आ गए माल्टेज, ठीक है माल्टेज, तो माल्टेज है कि माल्टोज से आया है, माल्टोज हमारा क्या, माल्टोज को अगर ब्रेक डाउन करना है, माल्टोज का ब्रेक डाउन करना है, मतलब कि सिमिलर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में, तो क्या होगा, किसका यूज करेंगे, माल्टेज का, इसका यूज करेंगे। स्टार्च को अगर हमको जोड़ना होगा एन ग्लूकोज में, नंबर ऑफ ग्लूकोज में, बहुत सारे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना होगा, स्टार्च आप समझ रहे हैं जो कि प्लांट का स्टोरेज फूड होता है, उसको बोलते हैं स्टार्च, पॉलीमर है। तो इसको अगर ब्रेक डाउन करवाना होगा तो इसके लिए कौन सा है, एमाइलेज होता है, एमाइलेज का ब्रेक डाउन, ठीक है स्टार्च को तोड़ता है। हमारे बॉडी में भी जो माउथ में क्या होता है, सेलेबरी एमाइलेज होता है, जो कि हम लोग को फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। पेप्सिन, पेप्सिन का काम क्या है कि प्रोटीन, प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन, प्रोटीन को किसमें कर देगा कन्वर्ट, एमिनो एसिड में, ठीक है एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स आपको पढ़ा के रखे हैं प्रोटीन्स में, ठीक है। इस तरह से आपका एमिनो एसिड है, सपोज एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम भी क्या है, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड्स में, ठीक है। ये सब आपके स्टमक में भी ये सब कन्वर्जन होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन गेट कन्वर्टेड, ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड्स में। दूसरा क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मतलब है कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। निकुलिएज, निकुलिएज का काम क्या है, DNA और RNA को किसमें कन्वर्ट करने वाला है, न्यूक्लियोटाइड्स में, किसमें बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में। लैक्टेज, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम किसी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये ऐसा टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं जो किसी के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए सूटेबल है, ठीक है। कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम क्या करवाता है, तो ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आपका कहीं भी ये काम दे सकता है, ये सारे क्वेश्चन, कोई भी एक सवाल एंजाइम से अगर रहा तो इससे हो सकता है, इस टेबल से हो जाए क्वेश्चन आपका, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा, इस बात को मेमोराइज कर लीजिए कि क्या किसका क्या फंक्शन है। लैक्टेज, लैक्टेज का मतलब, लैक्टेज मतलब कि लैक्टोज जो होता है, जिसको मिल्क शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। RNA पॉलीमरेज को कन्वर्ट कर देगा, RNA पॉलीमरेज का काम क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ये RNA, इसमें बदल देगा RNA। DNA पॉलीमरेज, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करने वाला है DNA में। तो ये क्या हो गया, एंजाइम हो गया, आप इसको कन्वर्ट करने के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम का क्या हो रहा है, जरूरत हो रहा है, मतलब कह रहे हैं, कह सक रहे हैं कि जितने भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं, आप जितना भी रिएक्शंस हो रहा है, ये सब सारे रिएक्शंस क्या है, ये जो रिएक्शंस है इसका नाम बोल सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये सारे
जो हमारे बॉडी में हो रहा है, ये जितने भी रिएक्शन है यहाँ से यहाँ पर तक लिखा हुआ है ये बॉडी में हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर ये आ रहा है। तो ये सारे रिएक्शन हमारे लिविंग सिस्टम में हो रहा है, इसलिए हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और बायोकेमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, करवाने के लिए, ठीक है, एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, इंजाइम्स बोलते हैं, प्रोटीनियस नेचर का होता है। लिविंग सिस्टम से इसको क्या है, लिविंग सिस्टम प्रोड्यूस बाय लिविंग सिस्टम एंड कैटालाइज स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रिएक्शंस, और कैटालाइज करता है पार्टिकुलर बायोरिएक्शन को, ये कैटालाइज करता है। तो ये सारे टेबल्स आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट कवर करो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक जितने भी बात बताया गया बहुत ही साधारण तरीके से बताया गया, इंजाइम को डिटेल में हम नहीं गए, ठीक है, इंजाइम का डिटेल्स बायोलॉजी की क्लास में चलेगी, ठीक है। ये हम आपको इंजाइम के बारे में ये आइडिया दे दिए हैं कि इंजाइम होता क्या है, उसका काम क्या है, आप पार्टिकुलर इंजाइम का पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंजाइम की ज़रूरत होती है। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आया होगा। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स।